इतनी दूर से इमरान खान की खातिर आए हो? हाँ बहुत दूर से आया, बहुत अच्छा आदमी फीलिंग आ रहा है उसका। क्या करोगे अब यहाँ पे? हाँ डांस करेगा और हम क्या कर सकता है। तुम्हारे साथ किसी ने क्या ज्यादती की है? ज्यादती हमारा धोती खींच के भाग जाते हैं, हमारा हेलमेट सोटे मार रहे हैं, हमको कहते हैं पता नहीं कौन चीज जा रहा है, अजीब डायरेक्शन किया है। अभी अगर आपने चोरवा पकड़ना है किसी को, देखना है कि चोर है कि नहीं, इमरान खान का नाम लियो, अभी जो चोर होगा ना कहेगा तेरी बैंडी। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीके प्लोटो से उतर के जो है वो ज़मीन पर आ गया है इमरान खान साहब के मार्च में शिरकत करने। इंडिया में तो इसने बड़ा फसाद फैलाया, आप देखते हैं कि पाकिस्तान में ये क्या क्या फैलाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीके क्या हाल? हाँ पहले से बेहतर है। पीके पाकिस्तान में क्या करने आए हो? पाकिस्तान में हालातवा चेक करने आया है, किसी स्पोर्टवा मारने आया है इमरान खान वा को। इतनी दूर से इमरान खान की खातिर आए हो? हाँ बहुत दूर से आया, बहुत अच्छा आदमी फीलिंग आ रहा है उसका। क्या करोगे अब यहाँ पे? हाँ डांस करेगा और हम क्या कर सकता है। इमरान खान साहब से इतनी मोहब्बत क्यों है यार? तुम्हारा तो सियारा ही भाई अलग है, ये जमीन अलग है, इमरान खान साहब के पास क्यों आए हो, उनको सपोर्ट करने क्यों आए हो? अच्छा काम कर रहा है, बहुत फेमस है, उठक पहुँच गया है, हम यहाँ से ले गए थे ना चीजें, वहाँ टीवी लगाया है, वहाँ पब्लिक देखता है, तो हम नीचे उतर आया है स्पोर्ट वा मारने। पीके इधर की पुलिस मारती बड़ा डंडे बड़े मारती है भैया, मारे हम इधर चिपका लेगा, इधर अल्लाह मोहम्मद का चिपका लेगा, कौन मारेगा? फिर तो कोई नहीं मारेगा, फिर ना ही मारेगा। हाँ तो अब वापस जाना है या पाकिस्तान में रहने का इरादा है? इधर ही रहता है, अच्छे लोग हैं, वैसे तो साले गंड हैं, वैसे अच्छे हैं। तुम्हारे साथ किसी ने क्या ज्यादती की है? ज्यादती हमारा धोती खींच के भाग जाते हैं, हमारा हेलमेट सोटे मार रहे हैं, हमको कहते हैं पता नहीं कौन चीज जा रहा है, अजीब डायरेक्शन किया है। ये तो हो गया मजाक, और बेसिकली जो है हमको कोनो कुछ नहीं कहता है, सब कहते हैं बहुत अच्छे। अच्छा पीके यहाँ पे अपना वोट अगर बनवाओगे, यहाँ पे नेशनलिटी लोगे, तो मुझे ये बताओगे फिर इमरान खान साहब के साथ ही रहोगे? हाँ इमरान खान के साथ रहेगा। हाँ हम वजीर दाखला खर्चा कुछ बना रहे हमको। हम अगर उन्होंने आपको गटर साफ करने वाला का वजीर बना दिया फिर वो आप हैं ना, तो हमको क्यों बनाएंगे? और पीके उन्होंने कह रहा है कि भाई पूरे पाकिस्तान के गटर फेडरेशन का ठेका तुम्हें देते हैं, और आप लोग हो ना तो फिर हम अकेला कैसे करेगा इतना सारा, आप तो पूरा टीम हो पड़े तो फिर ठीक है। पीके इस्लामाबाद किस तरह जाओगे मुझे बताओ, तुम तो गाड़ी में भी नहीं बैठते, बाइक चलाना तुम्हें नहीं आता, तो क्या इस तरह पैदल जाओगे इस्लामाबाद? पैदल जाएगा, इमरान खान हमारे लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा। कौन सा हेलीकॉप्टर? प्लास्टिक का? नहीं वो जो होता है बच्चे खेलते हैं चाबी लेके ऐसे वाला। हाँ तो उस पे इतना बड़ा पीके बैठेगा कैसे? बैठ जाएगा, एडजस्ट करेगा, अभी हाँ गरारी पे बैठ जाएगा, पंखे पे बैठ जाएगा। कुछ गलत ना बोलना, उस पे नहीं बैठ सकता। नहीं नहीं उस पे बैठ भी नहीं सकता पीके, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को लूटने आता है ना पाकिस्तानी, उसको आहो समझ गए हैं, बिठा देते हैं। अच्छा पीके अगर तुम्हारा वोट इधर बनता है तो वोट किसको दोगे? वोटवा बल्ले पे लगाएगा, बल्ला जिसका भी हो बल्ले पे लगाएगा। तो तुम्हें तुम्हारा रिमोट वा अगर इमरान खान साहब ने ले दिया कि जाओ भाई वापस जाओ, तुम्हारा रिमोट आ गया फिर? हम जाएगा वहाँ से पब्लिक लेके आएगा इमरान खान वा का वोट बढ़ाने के लिए। हाँ इमरान खान को लोग चाहिए, एलियंस नहीं चाहिए। तो लोग वो भी तो लोग है ना, ठप्पा लगाएगा, हार रहा होगा ठप्पा लगा। इमरान खान साहब के लिए कोई मैसेज दो, और इंडिया में जो है वो जाके जो तुमने फसाद किया वो पाकिस्तान में तो नहीं करोगे? नहीं नहीं यहाँ फसाद नहीं करेगा, असल में फसाद इस तरह होता है, लोगन जो है चोर हैं, हैं चोर लोगन हैं, वो फसाद मचाता हो, कहता है अच्छा बात क्यों कर रहा है। अभी आपको पता है, अभी अगर आपने चोरवा पकड़ना है किसी को, देखना है कि चोर है कि नहीं, इमरान खान का नाम लियो, वो अभी जो चोर होगा ना कहेगा तेरी बैंडी। इमरान खान साहब का बड़ा दिल्ली सपोर्टर है जनाब, प्लोटो प्लोटो है ना तुम्हारे सियारे का नाम? जो भी है हमको भूल गया, इधर इतना अर्सा से आया भाई, इमरान खान का दिल्ली सपोर्टर नहीं है, किडनी सपोर्टर भी है, फेफड़ा सपोर्टर भी है, सब सपोर्टर है। हाँ इमरान खान साहब को वजीर आजम बना के दम लेगा पीके? हाँ बने ना बने हमारा वजीर आजम है। इमरान खान साहब के लिए कोई प्यार भरा कोई पैगाम दो? पैगाम यही है इमरान खान साहब आई लव यू। इमरान खान साहब के लिए पैगाम है, इन्होंने जो करके दिखाया वो मैं तो नहीं, मुझे तो आता ही नहीं, मैं तो मासूम बच्चा हूँ ना, मुझे तो वो एक्सप्रेशन भी नहीं आते ना, मुझे वो करना था, लेकिन पीके ने करके दिखा दिया। इमरान खान साहब को दिल गुर्दे जिगर किडनी हर लिहाज से सपोर्ट करेगा, उनका वजीर आजम जो है वो आपका वजीर आजम इमरान खान साहब ही है ना। और जो इमरान, अच्छा
मरियम नवाल। ओह नो, मरियम नवाल का क्या कहे है, ठीक है, पिघल गया। पिघल नहीं गया है, धोती गिरने लगा है हमारा। पीके पिघल गया, पीके सिर्फ एक ही नाम पे पिघल गया। तेरी स्माइल तो देख, नहीं तो वैसे किया है, देखो सखट बन गया है। अभी कहा है बुढ़ी है, क्या करेगा वो, का वैसे सर्जरी कराया है, बहुत अच्छा बना हुआ है, क्या करेगा। इमरान खान साहब ही वजीर आजम बनेंगे। हाँ वो बनेगा, बाकी सब लुल है, पक्की बात है। बिलावल भुट्टो करके के पीके में तो मैं 2 करोड़ रुपया सैलरी दे, तू मेरे साथ रहना। भैया करोड़ विरोड़ नहीं चाहिए, पहले भी हम ऐसे जीरो में जी रहा था, अभी नहीं चाहिए। इमरान खान में हमको 20 रुपया दे, हम बन जाएगा 20 रुपये में। बिलावल भुट्टो के लिए पैगाम दे, भैया पैगाम ही देंगे पहले तो, भैया उर्दू सीख लो, हम वहाँ से आया है, हम भी उर्दू सीख गया है, तुम यहाँ गोला का है फिर भी उर्दू नहीं सीखता है, उर्दू सीखो, कोनो जनानी का हरकत करना छोड़ दो, मरद बनो, ऐसा मरद। हाँ पीके की बातों को अपने जेन पे ले, अपने दिल पे ले, अपने गुर्दों पे ले, अपने आप को भाई बेहतर बनाए। पीके इतनी दूर से आके उर्दू सीख गया है। हाँ। और तुम लोग पाकिस्तानी होकर उर्दू नहीं आती है ना पीके। हाँ, ऐसा है। इमरान खान साहब के लिए कोई आखिरी बड़ा प्यारा सा पैगाम दे दो। बहुत प्यारा सा पैगाम ही है, पहले हमका कहता था कि आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, तो अब हम उनका कहता है कि आपने नहीं घबराना है। इमरान खान साहब आपकी खातिर दूसरे जो है वो सियारे से यहाँ पे लोग आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। और पीके का ये कहना है कि भाई इस्लामाबाद में ज़रूर पहुँचूंगा, जो मर्जी हो जाए, मुझे बेशक रिंग के जाना पड़े, मुझे बेशक कश्ती पर जाना पड़े, मुझे बेशक पैदल भाग के जाना पड़े, मुझे जैसे भी जाना पड़े, आपके धरने में ज़रूर शिरकत करूँगा। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दें इजाज़त, और पीके को भी। भैया इजाज़त वाली इस्लामाबाद में कौन सा कश्ती जाता है भाई, भाई जाएगा ना ऐसे जमीन पे जाएगा। बारिश ज्यादा आता है तो फिर पानी आता है, फिर कश्तियां चलता है। हाँ, फिर कहाँ पे भी टांग जाएगा, सर्दी है वहाँ। हम दोनों को दे इजाजत, अपना रखें ख्याल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मजीद मजे मजे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। हाँ, अल्लाह हाफिज़।